हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज का हमारा सेशन है CDP का। तो CDP मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके अंदर हम आज थ्योरी पढ़ेंगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना है। इस थ्योरी के अंदर मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाले हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर किए हैं। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो आज का हमारा सेशन है वेगोस्की सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रचनात्मक विकास का सिद्धांत। तो आइए फिर अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो ये सोशो कल्चर थ्योरी है वो किसने दी थी? वेगोस्की ने। आपको मेन ध्यान रखना है कि जो वेगोस्की थे ये हमारे साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशो कल्चर। तो इन्होंने किस थ्योरी के बारे में बात करी है? सोशो कल्चर। ये आपको पॉइंट पहली बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस सेशन के एंड में आप क्या क्या चीज़ें जान जाएंगे इस थ्योरी के बारे में। सबसे पहले तो हम सारे कवर करेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देन हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, कि इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। समाज से जुड़कर बच्चा कैसे डेवलप होता है, तो ये बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, दैट इज़ ZPD। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होते हैं? ढांचा निर्माण। ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है बच्चे के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वेगोस्की। प्याजे जी और वेगोस्की के बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी प्याजे जी की थ्योरी कैसे डिफरेंट है वेगोस्की से। तो इनके कुछ क्रिटिक्स रह चुके हैं जिसे हम बात करेंगे। तो ये हैं सारी चीज़ें जो आप इस सेशन के एंड तक जान जाएंगे। ये थ्योरी मैंने पूरी कवर करी है इस लेसन में। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये लेसन को आप पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेगोस्की की थ्योरी। पहले हम जान लें कि ले वेगोस्की के बारे में। ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये कहाँ के थे ये साइकोलॉजिस्ट? रशिया के। तो इन्हें बोला जाता है रशियन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या दिया था? ये थे अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो समाज में आएगा, सोसाइटी से जुड़ेगा, और तब वो लैंग्वेज डेवलप करेगा, तब वो सीखेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इनको बोला गया है, वो थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। थर्ड पॉइंट बताया है कि इन्होंने बताया है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सोशल कल्चर एस्पेक्ट इन लर्निंग, कि जो बच्चा है वो कैसे लर्न करेगा जब वो सोसाइटी में आएगा। तो सोसाइटी से हमने लिया है सोशो। नेक्स्ट कल्चर, कल्चर भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, सोशो कल्चर। तो इन्हें वहाँ से ही बोला गया था सोशो कल्चर कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट, हिज थ्योरी सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? अभी हमने बात करी है सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट आ चुके हैं कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर सोशो कल्चर कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेगोस्की की थ्योरी थी सोशो कल्चर थ्योरी। तो ये थे हमारे कुछ इमेज में मैंने आपको दिखाया है, ये थे हमारे साइकोलॉजिस्ट, रशियन साइकोलॉजिस्ट ले वेगोस्की। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या फंडामेंटल एस्पेक्ट दिए हैं लर्निंग के, कि लर्निंग एक बच्चा कैसे सीखता है, लर्न करता है। तो यहाँ पर है, मैंने दिखाया है, ये चाइल्ड है। जब चाइल्ड सोसाइटी के लिंक में आएगा और कल्चर के लिंक में आएगा, तो उसके क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण, कि बच्चा क्या सीखेगा? लैंग्वेज को। क्योंकि सोसाइटी में उसको बहुत डिफरेंट तरीके के पीपल मिलते हैं, आप वो उनसे कांटेक्ट में आता है, कम्युनिकेट करता है, उनके कुछ रीति रिवाज सीखता है, तो उनसे ही वो क्या सीखता है? लैंग्वेज डेवलप करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। अगर इनमें से मैं एक चीज़ भी हटा दूँ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
तो यहाँ पर इन तीनों का जो ये मिलान है कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, और इन तीनों के गुणों से ही क्या सीखता है, बच्चा डेवलप होता है। तो ये है हमारा, इन्होंने कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट दिए थे कि महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी कि बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग कैसे करता है, तब बच्चा सोसाइटी के संदर्भ में आएगा, कल्चर के संदर्भ में आएगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगी, लैंग्वेज। तो ये तीनों आपस में लिंक हैं एक दूसरे से। तो हम आगे चलते हैं। तो इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं सोशल लर्निंग के। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो है MKO, तो इसकी पेपर में आपकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है, आपको इसका कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है, स्कैफोल्डिंग का, ZPD का और MKO का। तो आपको इन्हें बहुत ही ध्यान से समझना है कि ये 3 सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, दैट ये होती है MKO की फुल फॉर्म, मोर नॉलेजेबल, कि जो दूसरे पर्सन से ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल होता है। नेक्स्ट इज़ ZPD, ZPD की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि अब हम इसे आगे समझेंगे, अभी मैंने सिर्फ ये आपको बताए हैं कि 3 सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट कौन से हैं। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का भी हम आगे समझेंगे, इसके आपको डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुननी है। अब एक मैंने इमेज के थ्रू बताया है कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, कि एक जो बच्चा है छोटा 7 साल का, उसके पापा उसको हेल्प कर रहे हैं। क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ये जो हेल्प दे रहे हैं जिससे कि बच्चा गिरे ना, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे और बच्चा क्या सीख जाए, बाइसिकल चलाना। तो आप ये देख रहे हैं कि उसके फादर ने उसको हेल्प करी है, यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करी है जिससे कि बच्चा ये चलाना, बाइसिकल को चलाना सीख जाए। तो यही कंसेप्ट है हमारा, अभी मैंने ये इमेज के थ्रू बताया है, इसके आगे हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले हम इसे ही समझ लेते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस के बारे में। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने ये डायग्राम डाला है, यहाँ पर है, ये है हमारा बच्चा, ये है चाइल्ड। अब यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 7 साल का बच्चा है जो कि ये 3rd या 4th क्लास के अंदर है। अब उसको स्कूल से कोई होमवर्क मिला है, तो वो अब उसको, जैसे कि स्कूल में हर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए स्कूल में, तो घर आके वो जब होमवर्क ले करने बैठता है तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो उसकी मदर उसके लिए ट्यूशन टीचर लगाती हैं कि जिससे कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पर्सनल अटेंशन मिल सके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी ट्यूशन टीचर क्यों लगाई गई है, क्योंकि उससे जो बच्चा है वो, उसकी जो ट्यूशन टीचर है वो मोर नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, जिससे कि वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर बना सके, जिससे कि उसको जो कॉन्सेप्ट वो सॉल्व कर रहा है उसके अंदर उसके प्रॉब्लम ना आए, वो सीख सके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ये मैंने मार्क करा है सर्कल, ये है स्टूडेंट, कि जो वो अब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है बिना किसी की हेल्प लिए, और यहाँ पर फिर अब उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे सॉल्व करेगा, अब उसको कोई एक ट्यूशन टीचर चाहिए। तो यहाँ पर जब उसे ट्यूशन टीचर चाहिए, वो किसी के लिंक में आएगा, तो वो इस सर्कल से बाहर निकलेगा, वो इस सर्कल में आ जाएगा, कि यहाँ पर अब उसको किसी की हेल्प चाहिए, तो वो इस सर्कल में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली वर्क को छोड़ के वो किसी के पास जाता है जो कि उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, अब वो उस जोन में आ चुका है कि जहाँ उसको हेल्प मिलेगी, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा, उसकी डाउट्स जो हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। तो जो उसका बच्चे का पोटेंशियल है वो हम उसको मैक्सिमम अचीव कर सकेंगे। तो जब वो अपने संदर्भ से बाहर आएगा यहाँ पर, तो वो क्या कर पाएगा, ये एक जोन में आ गया, इसी को बोला गया है ZPD, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, कि आप देख रहे हैं कि ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो जब अपने इंडिपेंडेंटली वर्क को छोड़कर किसी और से हेल्प लेता है अपने पोटेंशियल को अचीव करने में, तो वो अपने जोन में से बाहर निकलता है, तो उसी को बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। अब जब बच्चा यहाँ से बाहर आया, यहाँ पर आया है, इस जोन में आया है, तो यहाँ पर अभी वो क्या है, थोड़ा मिनिमम लेवल पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे लिखा है, देखिए लोअर लिमिट ऑफ ZPD, इट मींस कि बच्चा का अब जो एक्चुअल लेवल, डेवलपमेंट लेवल है, वो
मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। अब ये जो एरिया था यहाँ पर जितना वो खुद से मेहनत कर सकता था मैक्सिमम वो कर चुका है, अब वो इससे बाहर आएगा तो वो एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो उसका इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे अब यहाँ से इंक्रीज़ होने लगेगा और जब वो पूरा पोटेंशियल अचीव कर लेगा वो इस सर्कल पर पहुँच जाएगा। अब जब वो इस सर्कल पे पहुंच गया तो इट मींस क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट ऑफ ZPD, कि जो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस है वो फुली अचीव हो गया है, जो उसका पोटेंशियल था वो मैक्सिमम अचीव हो चुका है, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी स्टूडेंट कैन एक्सेप्ट विद द असिस्टेंस ऑफ एन एबल इंस्ट्रक्टर, कि अब जो स्टूडेंट है वो हेल्प किस वो कैसे कर पाया है, अपना जो मैक्सिमम डेवलपमेंट था वो कैसे कर पाया है किसी की हेल्प से, तो अब वो स्टूडेंट को टीचर ही हेल्प कर सकती है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके फुली पोटेंशियल को यहाँ तक अचीव कराने में एक उसको हेल्प की किसी एक एबल इंस्ट्रक्टर की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस लेवल तक पहुँचने की। तो यही बताया है किसने, वाइगोत्स्की ने इसका ZPD का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपने यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग थी वो होता है जब हम किसी की हेल्प लेते हैं, अपने इंडिपेंडेंट जो हमने फुली था वो हम अचीव कर चुके थे, अब उससे एक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए जब हम किसी की हेल्प लेते हैं वो होता है स्कैफोल्डिंग, और जब हम उसको पूरे फुली अचीव कर लेते हैं इस जोन में आ जाते हैं तो वो होता है ZPD। अब एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जो ZPD है वो ये है, जोन ये है, अब इसी के अंडर आता है यहाँ पर ये हो गया स्कैफोल्डिंग, ये हो गया मोर नॉलेजेबल पर्सन, ये मोर नॉलेजेबल पर्सन है, ये इसके यहाँ पर ही आ गया स्कैफोल्डिंग। अब इन दोनों के लिंक से ही बनेगा जोन ZPD, तो ये इंटरलिंक करता है, जब उसको हेल्प करेगा तो वो स्कैफोल्डिंग आ गई, अब वो हेल्प कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन, इन दोनों के मिक्सचर से वो कहाँ पर हेल्प पहुँच पाएगा, जोन के अंदर जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ZPD का, जो कि मैंने यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू समझाया था। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है नोशन ऑफ वाइगोत्स्की, कि अब वाइगोत्स्की ने कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई हैं कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमने पढ़ा कि जब हम दूसरे के लिंक में आएंगे जो हमारे से ज़्यादा समझदार है, एक्सपीरियंस है, तो वहीं पर हो जाता है कोलैबोरेटिव। उसको असिस्टेंस चाहिए, असिस्टिव लर्निंग चाहिए, जो उसको थोड़ा सा हाथ लगाए और वो अपना जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो कर सके, अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो ये भी आता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, तो कोऑपरेटिव लर्निंग हमारे कोलैबोरेशन के साथ क्लियर हो जाता है। पीयर हेल्प, जैसे कि आप स्कूल में होते हैं तो आपको कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप अपने फ्रेंड को समझा देते हैं, तो वो होता है हमारा पीयर हेल्प। को कंस्ट्रक्शन, कि आप तो अपने फुली इंडिपेंडेंटली आप वर्क करते ही हैं, अपने जोन तक पहुंच जाते हैं, पर फिर आपको उसके लिए और भी अचीव करने के लिए पोटेंशियल को किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो उसके अंदर आप भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और दूसरे की हेल्प से भी आपका पोटेंशियल डेवलप होता है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल टीचिंग है ये, तो ये हमारे कुछ नोशंस किसने बताए हैं, वाइगोत्स्की ने, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। आगे आते हैं हम वाइगोत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्होंने क्या किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया है। ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने क्या बताया है, ज़्यादातर उन्होंने एम्फेसिस किया है कि जब बच्चे का जो दिमाग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कैसे होगा, जब वो सोशल इंटरेक्शन करेगा, जब वो सोसाइटी के लिंक में आएगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उसका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप होगा। तो उन्होंने कुछ टूल्स बताए हैं इंटरेक्शन के, एक है रियल टूल्स, जो कि यहाँ पे लिखे हैं बुक, कंप्यूटर, नोटबुक, इनकी हेल्प लेके करेगा वो लर्न। दूसरा बताया है साइकोलॉजिकल टूल्स, जो लैंग्वेज है, सिंबल्स हैं, साइन को, इन सब से वो साइकोलॉजी बिठाएगा और ये सीखेगा लैंग्वेज को। आगे हम बात करते हैं उन्होंने क्या बताया है, सेकेंड पॉइंट इज सोसाइटी, सोसाइटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
मीनिंग जो सोसाइटी या फिर कम्युनिटी है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है किस प्रोसेस में, मेकिंग मीनिंग में, कि वो मीनिंग मतलब बनाती है, कि वो लर्न करता है जिससे बच्चा, तो ये सोसाइटी ही है जो हेल्प करती है, सेंट्रल रोल को प्ले करती है, क्योंकि बाहर वो डिफरेंट लोगों से मिलता है और उनकी जो नॉलेज है उनको सीखता है, उनका बोलने का तरीका सीखता है, बिहेवियर को अपना अच्छा करता है, तो काफ़ी चीज़ें वो सोसाइटी के इंटरेक्शन में आके सीखता है। थर्ड हम बात करेंगे, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। अब इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उससे पहले उसके क्या होगा, सोशल लर्निंग, जब वो सोसाइटी के लिंक में आएगा तभी वो डेवलप कर पाएगा। तो डेवलपमेंट से पहले बच्चे का क्या आना ज़रूरी है, सोशल लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है। अकॉर्डिंग टू वेगोस्की, लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही बताई है कि जो इनके अकॉर्डिंग है कि सोशल, जब बच्चा सोसाइटी के लिंक में आएगा तो लैंग्वेज को डेवलप करेगा, तो लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वेगोस्की स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट अंटिल द एज ऑफ 3, देयर आफ्टर दे गेट एसोसिएटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इन्होंने बताया है कि जो वेगोस्की ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिलीव किया है कि इनके अनुसार जो थॉट एंड लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो आपको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना है कि वेगोस्की के अकॉर्डिंग जो है वो जो थॉट्स होते हैं और जो लैंग्वेज है वो इंटरडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सेपरेट हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनके अनुसार भी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसके अंदर, कॉग्निटिव, जो हमारे माइंड है, जो हमारा संज्ञानात्मक है उससे रिलेटेड, उसको डेवलप कराने में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या, लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं हम, उन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच हैव बीन गिवन बाय सोशो कल्चर साइकोलॉजिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब वेगोस्की के अनुसार उन्होंने 3 स्पीच का कुछ डिस्कस किया है, उनके बारे में बताया है कि उनके अनुसार जो सोशो कल्चर साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 3 प्रकार की स्पीच से होता है। फर्स्ट इज सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, रिप्रेजेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब हम बाहर जाके सोसाइटी में जाके दूसरों से बातें करते हैं तो जो बच्चा है वो बहुत ही लैंग्वेज को ईजिली डेवलप कर पाता है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, तो इनके अनुसार सोशल स्पीच उन्होंने बताई है। सेकेंड इज़ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, जब हम अपना आप से बातें करते हैं तो चिल्ड्रन सेल्फ टॉक विच डायरेक्ट्स देयर थिंकिंग एंड एक्शन। चिल्ड्रन स्पीक अलाउड टू देम सेल्फ। इन्होंने क्या बताया है कि बच्चे क्या हैं, वो अपना आप से बातें करते हैं, तब बच्चे चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं तो वो उनको थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ नहीं है, तो वो कोई भी चीज़ करते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक है ये नहीं है, तो यही वो अपना आप से जब बातें करते हैं उसी को बोला गया है प्राइवेट स्पीच। बट यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है कि प्याजे के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या है, ईगो सेंट्रिक है, कि बच्चा यहाँ पर ईगो सेंट्रिक हो रहा है कि जो वो कहता है सोचता है वही सही है। तो यहाँ पर इस स्पीच को किसने क्रिटिसाइज़ किया है, प्याजे जी ने, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। थर्ड हम बात करते हैं साइलेंट इनर स्पीच। जो साइलेंट इनर स्पीच होता है कि जो मन में, जब बच्चा मन में अपना आप से बातें करता है, तो चाइल्ड टॉक टू देमसेल्फ विदाउट वर्बलाइजेशन। जब बच्चा छोटा होता है वो तो पहले अपना आप से बातें करने लगता है, बोल के करता है, तो वो आती है प्राइवेट स्पीच में। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अंदर ही उसको मन में पता लगने लग जाता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं, जब वो अपना आप से बातें करने लगता है इनर विदाउट बोले या विदाउट वर्बलाइज किए, तो उसी को बोलते हैं हम साइलेंट इनर स्पीच। ये कब डेवलप होती है, 7 साल से बाद। तो हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने और क्या बताया है। अब हम लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि उन्होंने कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है प्याजे जी के और वेगोस्की के थ्योरी के बीच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो हम पहले बात करते हैं पियाजे के बारे में। तो पियाजे जी कौन थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रैशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और जो वैगोस्की थे हमने अभी पढ़ा है, वो कौन थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे स्टेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्टली यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर। जो पियाजे जी के अनुसार क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है कि हर स्टेट में जब बच्चा उस स्टेज में पहुंचता है तो उसका अपना आप ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। बट वाइगोस्की के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कल्चर पे, वो सोसाइटी पे डिपेंड होता है। जब तक बच्चा बाहर सोसाइटी के इंटरेक्शन में नहीं आएगा तो वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट फुली अचीव नहीं कर पाएगा, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, पियाजे क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि पियाजे को किस लिए क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज पे एम्फेसाइज नहीं किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एंड वैगोस्की को किस लिए किया गया है? कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज के रोल पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो ये है वैगोस्की। नेक्स्ट पॉइंट इज, लैंग्वेज डिपेंड ऑन थॉट। पियाजे के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो किस पे डिपेंड है? थॉट्स पर। इट मीन्स पहले थॉट आएगा देन लैंग्वेज आएगी। तो पियाजे के अनुसार पहले बच्चे के माइंड में थॉट्स आएंगे, वो सोचेगा, फिर वो लैंग्वेज को डेवलप कर पाएगा। बट वैगोस्की के अनुसार क्या है? कि वैगोस्की के अनुसार है कि थॉट और लैंग्वेज, जो उसके माइंड में थॉट्स आते हैं और जो लैंग्वेज है, वो सेपरेट है, इंटरडिपेंडेंट है, वो दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। पियाजे जी के और क्या बोला है? डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। जब वो उस स्टेज में आएगा, डेवलप होगा, तो वो सीखेगा। तो ये था पियाजे के अकॉर्डिंग। वैगोस्की ने क्या कहा है? लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट। कि लर्निंग ही क्या करेगी? हेल्प करेगी डेवलपमेंट में। जब बच्चा सीखेगा तो वो डेवलप होगा। लर्निंग इज़ अ टूल ऑफ डेवलपमेंट। तो वैगोस्की के अनुसार है कि लर्निंग, पहले बच्चा लर्न करेगा, इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी के साथ, तब वो डेवलप होगा। बट पियाजे के अकॉर्डिंग पहले बच्चा डेवलप होगा और फिर लर्न करेगा। लर्न डेवलपमेंट टेक प्लेस इंट्रा टू इंटर। इसमें पियाजे जी ने बोला है कि जो डेवलपमेंट है पहले अपने अंदर होती है, सेल्फ होती है, फिर वो बाहर जाता है। बट वैगोस्की के अकॉर्डिंग है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इंटर टू इंटरा। इट मीन्स कि जब बच्चा पहले दूसरों के लिंक में आएगा, दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, और फिर जब वो खुद में सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएगा। पियाजे के अकॉर्डिंग ईगो सेंट्रिज्म अकर्स बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। जो बच्चे हैं, बच्चे जब मैच्योर नहीं होते तो उनके अंदर क्या आ जाता है? ईगो सेंट्रिज्म। बट वैगोस्की ने क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। जो प्राइवेट स्पीच है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में बच्चे की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो इन्होंने, ये थी वैगोस्की की थ्योरी, ये थी पियाजे ने। तो इन दोनों की थ्योरी के साथ मैंने आपको डिफरेंस दिया है कि ये मेजर पॉइंट्स है, किसने क्या बोला है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वैगोस्की। अब यहाँ पर जो वैगोस्की की थ्योरी है वो एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई होती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये फ्यू पॉइंट्स हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है, कि मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बोला। टीचर शुड प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब टीचर एक्सप्लेन कर रही है कॉन्सेप्ट को, तो टीचर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? ऑथेंटिक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे कि बच्चा सोसाइटी के लिंक में आए और बहुत ही जल्दी को उस कॉन्सेप्ट को वो सीख सके। और क्या बताया है वैगोस्की ने, कि यहाँ पर बोला गया है द सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चाइल्ड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन लर्निंग प्रोसेस। द टीचर शुड वैल्यू इट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोशल कल्चर कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो टीचर को ये बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हमने बात करी है पूरी वैगोस्की की थ्योरी के बारे में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एस्पायरिंग टीचर्स, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। तो इसी नाम से, हमारे चैनल के नेम से ही फेसबुक पर भी अकाउंट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, तो आप उसके लिए नोट्स या पीडीएफ के लिए आप उस पर भी जुड़ सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको अगर डेली टेस्ट अपने लेवल या अपनी परफॉर्मेंस पता लगानी है कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रही है, तो मैं डेली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम से जुड़कर आप लिंक ले सकते हैं। डेली हम सेशन अटेंड करेंगे, लाइव सेशन होते हैं वो अटेंड कीजिए, MCQs लगाइए और प्रीवियस पेपर को अटेंड कीजिए जो कि मैं अपने लाइव सेशन में कराती हूँ। तो अगर आपको लेसन बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।